अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरी 7:30 बजे की फ्लाइट है गुलमर्ग के लिए। जैसे देख सकते हैं सूरज नहीं निकला है, अंधेरा है, रोड एकदम खाली है, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाए। एक घंटा लगा एयरपोर्ट पहुंचने में। एयर एशिया की फ्लाइट है, इंटरनेशनल गेट से जा रही है। श्रीनगर में लैंड कर लिया है, अब गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग करीब 60 किलोमीटर है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ये गाड़ी में कैन बांध रहे हैं गाड़ी के टायर्स में, वरना बर्फ पे स्किड करेगी। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से ऊपर जाएंगी जनरली सब गाड़ियों में चैन होगी या 4x4 गाड़ी होगी। ये हम गुलमर्ग पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा गुलमर्ग स्नो में कवर्ड है, कम्प्लीटली वाइट वॉश्ड है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है, अब होटल की तरफ जा रहे हैं। बस फटाफट सामान रख के और फिर स्की रेंटल शॉप पे जाना है। डे 2, सुबह के 8:15 बज रहे हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने इंस्ट्रक्टर की, जिसके साथ मैं गोंडोला पकड़ के पहले स्की रेंटल पे जाऊँगा। बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और व्यू देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरा होटल है, होटल पाइन स्प्रिंग्स। अभी हम गंडोला स्टेशन फेस 1 पे आ गए। ये गंडोला स्टेशन फेस 1 है। ये गंडोला करीब 4 बजे तक चलते हैं, सुबह 8:30 से चल जाते हैं, हम 4 बजे चलते हैं इसके ऊपर। कंप्लीट कर लिया है, अब ये वापस गोंडोला में जाना है। हम ये सीढ़ियाँ लेके ऊपर गोंडोला स्टेशन में जा सकते हैं, वहाँ से गोंडोला लेके दूसरे राउंड के लिए जा सकते हैं। सफाई चल रही है, ये सफाई होने के बाद गोंडोला फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। आज ज़्यादा स्कीइंग हो नहीं पाई क्योंकि एक तो मेरा शुगर साइज़ गलत था और राइट टो में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो मैं अभी अपना शू चेंज करवाने जा रहा हूँ। तो मेरे इंस्ट्रक्टर बिलाल हैं, ये इन्होंने ATV बुला ली है, पर इतनी स्नो है कि ATV भी ठीक से चल नहीं पा रही है, आप खुद ही देखिए। Thank you.
रास्ते में फंस गई है, इस बार ज़्यादा फंस गई है। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, करीब 5 फीट स्नो है। गेटी भी काफ़ी भारी होते हैं। हमें एटीवी निकल नहीं पा रही है, इसीलिए हमने एटीवी को अब यहीं छोड़ देना है और पैदल ही जाना है। मेरे पैर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, पर देखते हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। बिलाल ने पूरी कोशिश कर ली पर एटीवी नहीं मिल पा रही, तो अब हम शॉप पे पैदल ही जाएंगे और फिर वहीं से शू चेंज करवाएंगे। हाँ, तो अभी मैं हिमालयंस की शॉप पे हूँ। यहाँ मुझे फैज़ान मिले हैं और वो मुझे शूज़ के बारे में बता रहे थे। तो बता रहे थे कि जैसे ये शूज़ हैं, नो शूज़ हैं, नॉर्मल अगर आप वैसे ख़रीदेंगे मार्केट में तो ये करीब 5,000 रुपये के आसपास आएंगे। और इनके बारे में बताइए फैज़ान। ये तो 25-30 हज़ार का है। ये 25-30 हज़ार रुपये का शू पड़ेगा ये? क्यों, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें? ये रेसर्स, ये है रेसर शू, रेसर स्कीज़ के लिए लगता है। अच्छा, ये वाली रेसर। अच्छा, थोड़ा बताइए स्कीज़ के बारे में, बताइए रेसर्स की क्या होती है? ये ज़्यादातर रेसिंग के लिए लगती है। अच्छा, जो स्लैलॉम रेस होती है। अच्छा, ये 40,000 की। और ये इसकी बहुत लंबी है, बहुत और ब्रॉड है। ये कौन सी इसकी? पाउडर्स की। पाउडर पाउडर पे जब आप जाते हो, जैसे फर्स्ट फेज आप गए, हां आप स्लोप के जरिए आ रहे हैं, हां नॉर्मल स्की लगती है लाइक दिस। हां, तो ये वाली पाउडर के लिए लगती है, ये जो बड़ी मोटी है। हां, ये भी पाउडर के लिए लगती है, ये वाली, ये भी। और अगर इसको लेके नॉर्मल में स्लोप में करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी? वो दूसरा 50-50 है, 50 मतलब ये वाला हाइब्रिड जो है, ये आप पाउडर में भी कर सकते हो, नॉर्मल में भी कर सकते हो। पर ये तो उससे भी ज़्यादा चौड़ी है ये, इसकी विड्थ। ये स्पेशल स्कीज है, 1-2 तो इनका रेंट भी सेम होता है या अलग अलग होता है इनका रेंट? इनका क्या रेंट होता है? ये वैसे इनका 3-4 हज़ार होता है। 3-4 हज़ार पर डे का। और नॉर्मल इनका? नॉर्मल का तो 5-8 हज़ार। अच्छा, 500-800 रुपये का होता है। और ये सारा एवलांच के लिए है? ये एवलांच है, ये स्लो, ये शॉर्ट, ये बैक पैक इसका एवलांच का। ये गोंडोला ले लिया हमने, अब हम फेस वन इस कंदूरी कंदूरी तक जा रहे हैं। आज बिल्कुल स्नोफॉल नहीं है। मेरे साथ मेरे इंस्ट्रक्टर बिलाल है। आज देखते हैं आज कैसा रहे। कल हाफ डे ही हो पाया था क्योंकि पैर में थोड़ा लग गई थी। आज शू चेंज करवाए हैं, ये बिलाल ही लेके आए हैं शू, इन्होंने काफ़ी हेल्प की, वरना बहुत प्रॉब्लम है। जो ऊपर आप देख रहे हैं वो अफरावत पीक है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट गोंडोलास है, सेकेंड हाईएस्ट गोंडोला अब चाइना ने बना दिया है। बिल्कुल टॉप अफरावत पीक तक ये जाता है। तो बिलाल कह रहे हैं अगर नॉर्मल स्की करते हैं तो आपका वेट आपका आगे होना चाहिए, पर सॉफ्ट स्की में वेट पीछे होना चाहिए। व्यू बहुत ही बेहतरीन व्यू मिल रहा है आपके यहाँ से। 360 व्यू देख सकते हैं आप माउंटेन्स का। जैसा आप देख रहे हैं ग्रूम पाथ्स नहीं है, तो आपके बम्पर्स काफी पड़ते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान रखना पड़ता है, उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। ग्रून पे थोड़ा इजी हो जाता है। और जो स्लोप्स हैं बहुत वाइड स्लोप्स नहीं है, जो थोड़ा सा टफ होता है कि अगर आपको राउंड लेना है, आपको जिगजैग में आना है, तो आपको बहुत जल्दी राउंड लेना होगा, क्विक कट मारना होगा।
हाँ ये मेन जोन है जहाँ जिसको यहाँ का ये मेन जोन है। हाँ ये अफरावत पीक है और आप इस माउंटेन से कहीं से स्की करके आ सकते हैं। यहाँ इसकी यहाँ पे इसकी पेट्रोल होता है, यहाँ एवलांच कंट्रोल होता है, बाकी वो एरिया इसकी पेट्रोल में नहीं आता, वहाँ आप अपने जिम्मेवारी पे जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, करीब 7 फीट की, 7 से 8 फीट की बर्फ़ बता रहे हैं। आज मौसम एकदम साफ है। ये चेयर लिफ्ट और गोंडोला, ये G2 और Phase 2 तक जा रहे हैं। Phase 2 अफरावत पीक है जो बिल्कुल टॉप पे है, वो आप देख सकते हैं। ये डबल ब्लैक डायमंड है। आज फाइनल डे है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आज का प्लान है कि 2 घंटे के आसपास में स्कीइंग करूंगा। 11:30 के आसपास मैं वापस होटल चला जाऊंगा, सामान मैंने पैक कर दिया है। उसके बाद वहीं से 12 बजे गुलमर्ग छोड़ेंगे। 1:30-2 बजे तक मैं श्रीनगर पहुंच जाऊंगा, श्रीनगर एयरपोर्ट, और 4 बजे की मेरी फ्लाइट है। आज थोड़ी विजिबिलिटी कम है, थोड़ा सा वो ट्रीज वाला सेक्शन ट्रिकी हो जाएगा, और स्नो भी आज सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा ग्रूम लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके बिलाल।
बहुत एंजॉय किया मैंने। अब बस होटल जाके सामान उठा रहे और एयरपोर्ट से निकलना है। बस अब गुलमर्ग से अलविदा ले रहे हैं। ये गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है, बेहद ही खूबसूरत।